ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे हेल्थ के बारे में। आज हम लोग क्या देखेंगे? हेल्थ के बारे में। ठीक है, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ओके। देखिए, चूंकि जो हेल्थ और ये स्वास्थ्य है, ये किसका टॉपिक है? साइंस का टॉपिक है। ये साइंस का टॉपिक है यानी विज्ञान का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि विज्ञान हम लोग पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देख रहा हूँ, तो वहाँ पे फैक्ट डिलीवर किया जा रहा है, तो ये जानना जरूरी है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हम लोग इतिहास कैसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। तो जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें दो बातें हैं जो इम्पोर्टेंट रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं कब और कहाँ। हिस्ट्री में अगर कोई भी घटना हो रहा है तो ये पूछा जाता है ना कि कब हुआ और कहाँ हुआ। ठीक है, उसी तरह जब भी हम साइंस पढ़ेंगे ना बाबू, तो यहाँ पे दो बातें हम लोग को ध्यान देना होगा, क्यों और कैसे, वाई एंड हाउ। ठीक है, जैसे साइंस का कोई टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, पौधा में हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं और ये दो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपका जो कंसेप्ट हो है वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाए, जो हमारा टॉपिक है हेल्थ। ओके, हेल्थ तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया हम देना चाहेंगे आप लोगों को हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है। तो हेल्थ को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य। तो अब इसको समझिएगा, समझना ज्यादा जरूरी है और हम सिखाने पे आप लोग को ज्यादा जोर देंगे, ना कि फैक्ट बताने पे। तो स्वास्थ्य के बारे में जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है, तो हम लोग के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि इस व्यक्ति को किसी तरह का कोई बीमारी नहीं हुआ है। अर्थात इस व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, कोई कट नहीं है, किसी तरह का कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन क्या इतना ही स्वस्थ हुआ? अब इसको और अच्छे से अगर हम लोग समझें तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो हम उसको स्वस्थ कहेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत अच्छा है लेकिन पागल है, तो क्या हम लोग उसको स्वस्थ बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। तो इस तरह देखिए, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से भी अच्छा है और शारीरिक रूप से भी अच्छा है, लेकिन वो अपने घर के लिए कुछ नहीं कर रहा है, खुद के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, समाज के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या हम लोग उसको स्वस्थ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी पूर्ण होना चाहिए। तो अब तो जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं उतना ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम लोग स्वस्थ किसको बोलेंगे। तो इससे निपटने के लिए इसको जो परिभाषित किया गया, वो किया गया परिभाषित इसको किसके द्वारा किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको परिभाषित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसको क्या किया गया? परिभाषित किया गया। ठीक है बच्चों, आइए उसको हम लोग देख लेंगे इन शॉर्ट में कि वो क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेंगे, ये जानना भी चाहिए कि ये क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। देखिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। ठीक है, क्लियर है। तो WHO जो हेल्थ का डिफिनेशन दिया, ये कब दिया? 1948। अब वही साइंस है, क्यों और कैसे। तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि 1948 में ही क्यों दिया। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा एक बेस मैं बता दूं कि WHO है क्या। तो WHO एक विशिष्ट इकाई है। क्या है? WHO विशिष्ट इकाई है। विशिष्ट इकाई है WHO, विशिष्ट इकाई है। तो किसका विशिष्ट इकाई है? फिर तो ये प्रश्न आएगा ना कि ठीक है सर, अगर विशिष्ट इकाई है तो किसका विशिष्ट इकाई है? तो ये जो विशिष्ट इकाई है, ये विशिष्ट इकाई है UNO का। किसका? UNO का, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? कुछ देशों का समूह है। और इसका एक इकाई है जो कि ग्लोबल हेल्थ यानी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए काम करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? WHO। तो अब WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की जो स्थापना हुई थी, जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ये हुई थी 7th of April 1948। 7th of April 1948। तो अब यहां से आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि 1948 में ही स्वास्थ्य को क्यों परिभाषित किया गया, क्योंकि 1948 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी।
क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब आइए, अब यहाँ हम लोग देख लेंगे कि उसके बाद क्या है। तो अब यहाँ पे ये जानने वाला प्रश्न है कि ये WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय है कहाँ? जेनेवा में। अब बहुत से बच्चे होंगे जिनके लिए नया नाम होगा कि जेनेवा, जेनेवा कहाँ है, वहाँ के जेनेवा कहाँ है। तो आप लोग तो जानते होंगे ना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में ही जेनेवा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखें कि WHO इवेनो का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल हेल्थ के लिए काम करता है। इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था कब? 7 अप्रैल 1948। और इसी कारण से, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसी कारण से कि 7 अप्रैल को क्या हम लोग बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। क्लियर है? अब आइए, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा टॉपिक था स्वास्थ्य। हाँ, तो अब हम लोग स्वास्थ्य को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम लोग क्या स्वास्थ्य को परिभाषित कर सकते हैं? कैसे परिभाषित करेंगे स्वास्थ्य को? कि अब हम लोग यहाँ से स्वास्थ्य को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो, उसको कोई बीमारी ना हो, तो हम लोग उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? स्वस्थ व्यक्ति। और उसकी इस अवस्था को हम लोग बोलेंगे स्वास्थ्य। क्लियर है? ये पहले ही बता चुके हैं कि यह परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1948 में दिया गया। ये आप लोगों को पहले ही क्लियर है, ओके, कि यह परिभाषा कब दिया गया, ठीक है, ओके। इसको इधर हटा देते हैं, ये सब हमारे काम का नहीं है। चलिए, ठीक है। अब आइए, अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, स्वास्थ्य देखभाल। इससे क्या समझते हैं? ये समझने वाला है, इसको आप लोग समझिए। स्वास्थ्य देखभाल की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं हेल्थ केयर। तो अब हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, ये जानना थोड़ा जरूरी है। इसको हम लोग जान लें कि हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ केयर? क्या है हेल्थ केयर? आइए इसको हम लोग समझते हैं, हेल्थ केयर का मतलब क्या है, ये समझिएगा लोग, ये थोड़ा समझने वाला विषय वस्तु है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की जब भी हम बात करेंगे तो आप लोग को 3 आधारभूत पहलुओं को ध्यान में रखना है। पूरा हेल्थ केयर सिर्फ उन्हीं 3 पहलुओं पे टिका हुआ है। फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रोकथाम, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रोकथामात्मक, ठीक है। सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं निदान, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? निदानात्मक। क्लियर है बच्चों? और थर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक, उपचारात्मक। क्लियर है? ये तीनों क्लियर हो जाएगा ना तो आपको हेल्थ केयर समझ में आ जाएगा। हेल्थ केयर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वास्थ्य की देखभाल। अब स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत कब होगी? जाहिर सी बात है जब आपका स्वास्थ्य खराब हो। इसको ऐसे समझिए जैसे मैं ही हूं, अभी मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, लेकिन मुझे अगर सर्दी हो जाए या खांसी हो जाए या सिर में दर्द हो जाए या पेट में दर्द हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा ना कि मुझे ये बीमारी हो ही नहीं। जैसे मान लो मेरा नाक चलने लगा या गले में आवाज थोड़ा रुंध के आने लगा, तो ये इंडिकेशन है कि या तो हमको सर्दी होने वाला है या खांसी होने वाला है। तो जो पहला हम उपाय करेंगे वो क्या करेंगे उसके रोकथाम के लिए? रोकथाम में क्या होगा? मम्मी बोलेगी सरसों का तेल लगा दो, कोई बोलेगा काढ़ा ले लो, इस तरह का उपाय जो भी होगा, बाम लगा लो, ये सब कैसा उपाय है? रोकथाम। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हेल्थ केयर के लिए जो भी रोकथामात्मक उपाय है इसको हम लोग हेल्थ केयर बोलेंगे। लेकिन किस लेवल का हेल्थ केयर बोलेंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है। अगर उससे नहीं ठीक होगा तो क्या करेंगे? उससे अगर ठीक नहीं होगा तो फिर हम जाएंगे निदानात्मक के पास। अब निदानात्मक का मतलब क्या है इसको समझना है, निदान का मतलब क्या है इसको समझना है। इंग्लिश से आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये है डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, ठीक है। कैसे मालूम चलेगा कि हमको सर्दी हुआ है, कोई और बीमारी नहीं हुआ है? जाहिर सी बात है हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कुछ जांच लिखेगा या फिर वो अपना कुछ पता करेगा,
पढ़ाई के आधार पे। तो अगर उस तरह हम लोग पता कर रहे हैं ना जांच के आधार पे, हाँ क्लियर हो गए कि इनको यही बीमारी है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डायग्नोस्टिक। तो ये डायग्नोस्टिक का या निदानात्मक का कब जरूरत पड़ेगा, जब रोकथामात्मक से वो सही नहीं हो पाया, ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस किए पता चल गया कि हाँ इनको ये बीमारी है, तब उसको बोला जाएगा क्या, उपचारात्मक। तो फिर हम किस चीज के लिए जाएंगे, उपचार के लिए जाएंगे। क्लियर है, आइए फिर अब हम आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है, इसको अब हम आगे देखते हैं। क्लियर है ना बच्चों, तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब यही सब बातें लिखी हुई हैं, कुछ नई बातें नहीं है। देखिए तो स्वास्थ्य देखभाल का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से बचने के लिए उनको रोकथाम, ये रोकथामात्मक हो गया, निदान एवं उपचार ही स्वास्थ्य देखभाल कहलाती है। क्लियर है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आइए अब देखिए आगे हम लोग विस्तार पूर्वक वर्णन देखेंगे किसका, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का। स्वास्थ्य देखभाल के जो स्तर है, पहला कौन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य बाल देखभाल मुख्यतः कैसा होगा, प्रिवेंटिव, रोकथामात्मक। तो देखिए यह मुख्यतः रोकथाम के लिए होती है, ठीक है। अब देखिए ये हालांकि इस प्रकार के देखभाल में कुछ हद तक उपचारात्मक एवं नैदानिक सेवाओं का भी समावेश होता है। कुछ हद तक मतलब क्या हुआ, मोर ऑर लेस, जैसे मान लीजिए हमको सर्दी होने वाला है तो उस समय बाम लगा दिया गया, तो वो तो आप तो क्या कर रहे हैं, उपचार ही कर रहे हैं ना, या काढ़ा पी लिए तो वो तो उपचार में ही ना आ गया, आए बात समझ में, क्लियर है। आगे देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा, नर्सिंग में ये टर्म का ज्यादा वैल्यू है, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसको समझिए, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है, जैसे आपको कोई भी बीमारी होगा तो आप सबसे पहले जाइएगा मेडिकल हॉस्पिटल में, और सबसे पहले जब आप किसी सरकारी चिकित्सक, ड्रेसर, नर्स, किसके भी संपर्क में आइएगा ना, तो जो आपका पहला संपर्क होता है सरकारी हेल्थ केयर के सर्विस के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए इसका डेफिनेशन भी वही है, यह व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय का सरकार द्वारा प्रदान की जा रहे सेवाओं का प्रथम स्तर का संपर्क होता है। कैसा संपर्क होता है, प्रथम स्तर का संपर्क होता है। क्लियर है बच्चों, ये प्रथम स्तर का संपर्क होता है, क्लियर है ना। चलो अब आइए अब फर्दर हम लोग देखते हैं, अब उसके बाद आपका थर्ड वाला आएगा, हाँ प्रथम स्तर के बाद आपका द्वितीयक स्तर है, ठीक है, द्वितीयक स्तर का स्वास्थ्य देखभाल, सेकेंडरी हेल्थ सर्विस। सेकेंडरी हेल्थ सर्विस क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे। अब देखिए इन केस फर्स्ट लेवल में अगर इलाज नहीं हो पाया तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर वो कहां पे जाएगा, सेकेंडरी हेल्थ सर्विस में जाएगा। अब सेकेंडरी हेल्थ सर्विस क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ सर्विस मेनली निदानात्मक और उपचारात्मक पे निर्भर होता है, और ये जो प्रथम हेल्थ सर्विस है ना, इसी के द्वारा रेफर किया जाता है। जैसे प्रथम हेल्थ सर्विस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, यह मुख्यतः क्या होगा, ये होगा मान लीजिए जैसे हम ही हैं या आप ही हैं, गांव में रह रहे हैं, आपको कुछ भी होगा तो आप सबसे पहले कहां जाइएगा, पीएचसी जाइएगा ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप केंद्र, तो वहां आपको जो भी सुविधा मिलेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। क्लियर है, वहां से अगर आपको रेफर किया जाता है तो फिर आप कहां जाते हैं, आप सामुदायिक अस्पताल में जाते हैं, या जो आपके शहर के बड़े अस्पताल हैं जिसको जिला अस्पताल बोलते हैं वहां आप जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल। यानी द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल में कौन सा इन्वॉल्व होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल। क्लियर है, और ये मेनली किस बेसिस पे काम करता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्थात निदानात्मक एवं उपचारात्मक। क्लियर है, अब सोचिए मान लीजिए वहां भी नहीं ठीक हुआ तो फिर क्या बोलेगा, निश्चित सा बात है अब तो बोलेगा पीएमसीएच ही चले जाओ, बिहार में रह रहे हैं तो। कि उसके बाद बात आती है टर्सियरी हेल्थ सर्विस की, किसकी बात आती है, टर्सियरी हेल्थ सर्विस की, ठीक है, तो हम लोग टर्सियरी हेल्थ सर्विस देखेंगे थोड़ा।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक, स्वास्थ्य देखभाल। अब पहली बार यहाँ पे रिसर्च इन्वॉल्व होता है। क्या इन्वॉल्व होता है? रिसर्च। अब यहाँ भी पूछा जाए तो वही कंसेप्ट लगाना है कि जो सेकेंडरी हेल्थ सर्विस सेंटर का जो रेफरल होगा वही कहाँ पे आ जाएगा? टर्शियरी में आ जाएगा। और ये काफी स्पेशलाइज्ड होगा, ये काफी स्पेशलाइज्ड होगा। अब जैसे ही मैं बोल दिया काफी स्पेशलाइज्ड, तो मैं पूछ दूं अगर किसी को कैंसर हो गया, किसी को ट्रॉमा हो गया, किसी को सर्जरी का जरूरत है, तो कहाँ जाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? सीधे बोलिए टर्शियरी जाएगा। और टर्शियरी जो होगा वो हाईली स्पेशलाइज्ड होगा। तो बिहार में सबसे हाईली स्पेशलाइज्ड कौन सा होगा बताइए? या तो रीजनल हॉस्पिटल होना चाहिए या कोई मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल होना चाहिए। पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच, दीज आर द हाईली स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल इन बिहार। ओके, एंड दीज आर ऑल्सो डिपेंड ऑन रिसर्च, इनके पास अनुसंधान भी होता है। तो तृतीयक में आपको दो बात ध्यान में रखनी है, पहली बात कि ये तो काफी स्पेशलाइज होगा और दूसरा इनमें रिसर्च भी होगा। क्लियर है? तो ये सब बातें थी जो आपको जाननी थी। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कौन सा टॉपिक आपको और अच्छे से बताना है। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और दूसरे लोग जो कि पढ़ाई के इच्छुक हैं, ज्ञान के इच्छुक हैं, उनके साथ शेयर कीजिए।